हुंडई मोटर्स आईपीओ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। दोस्तों, इसकी आईपीओ की डेट है 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर की। इस शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 और इसका प्राइस बैंड है 1865 से ₹1960, यानी कि आपको ₹1960 में एक शेयर आपको मिल सकता है। लॉट साइज है 7 शेयर्स का, यानी आप कम से कम आपको 7 शेयर आपको अप्लाई करने होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो है 14,21,94,700। जी हाँ, 14,21,00,000 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एम्प्लॉई अगर आप हैं हुंडई कंपनी के, तो आपको ₹186 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लगभग ये 9-10% का डिस्काउंट दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। इसकी लिस्टिंग होगी आपकी BSE और NSE दोनों जगह पर, और इसकी जो शेयर होल्डिंग है प्री इशू वो होगी 81,25,41,100, यानी कि प्री और पोस्ट होल्डिंग सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकी एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपने शेयर्स में से ही शेयर्स को सेल आउट कर रहे हैं, नया कोई भी फ्रेश इशू नहीं आ रहा है। इसकी ओपन डेट जैसा कि मैंने आपको बताया 15 अक्टूबर है, क्लोजर डेट है 17 अक्टूबर, और आपको अलॉटमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 अक्टूबर को। रिफंड भी ज़्यादातर 18 से 21 तारीख के बीच में आपको रिफंड मिल जाएगा, और आपके अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा 21 अक्टूबर तक। इसकी लिस्टिंग की जो डेट है वो 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर को ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। यदि आप इसमें शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट आपको लगाना होगा, जिसमें आपको 7 शेयर आप अप्लाई करेंगे, और इसके लिए आपको इन्वेस्ट करने होंगे 13,720 रुपये। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप मैक्सिमम आप 14 लॉट्स के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, यानी कि आप 98 शेयर्स की एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और उसके लिए आपको इन्वेस्ट करने होंगे 1,92,80,000 रुपये। अगर आप HNI स्मॉल्स हैं तो आप 15 आप लॉट अप्लाई कर सकते हैं 2,05,800 रुपये के, और मैक्सिमम आप 72 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी 504 शेयर्स के लिए आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 9,87,840 रुपये की। शेयर होल्डिंग जो रहेगी, पहले इस समय हुंडई मोटर्स के पास में 100% थी, और ये 17.5% शेयर होल्डिंग अब बेच रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नए शेयर नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ पुराने शेयर्स से ही अपनी ये शेयर्स को सेल आउट कर रहे हैं, तो बाद में इनकी होल्डिंग घटके 82.5% रह जाएगी। दोस्तों, इसकी अगर हम सेल्स की रिवेन्यू की बात करें तो ऑब्वियसली बात है इसकी रिवेन्यू बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इनकी टोटल रेवेन्यू थी 48,000 करोड़ की, जो कि 24 में बढ़ के 71,000 करोड़ के अप्रॉक्स हो गई। प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2022 में इनका प्रॉफिट था लगभग 2,901 करोड़ का, यानी 2,900 करोड़ रुपये के आसपास का, जो कि 6,000 करोड़ रुपये का इनका प्रॉफिट अब हो चुका है। बोरोइंग्स इनकी बहुत ही कम है, 2022 में इनके पास सिर्फ 1,140 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि अब घट करके 750 करोड़ के आसपास आ गई हैं। प्रॉफिट इनका अच्छा है, रिजर्व एंड सरप्लस भी इनके पास बहुत अच्छे हैं, लगभग 10,000 करोड़ रुपये का इनका रिजर्व एंड सरप्लस आज की तारीख में है। पी इनका जो है वो 26.28% है, और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, और वर्ल्ड में भी ये तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एप्लीकेशंस, चूँकि इसमें शेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि अगर आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे। और हाँ, लिस्टिंग गेन के चांसेस थोड़े से कम हैं कि आपको बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिले। अभी जो इसकी GMP चल रही है उसके अकॉर्डिंग लगभग आपको 7-10% का प्रीमियम आपको मिल सकता है लिस्टिंग वाले दिन, लेकिन हाँ, अगले एक साल के अंदर यह आपके पैसे को डबल कर सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप इस शेयर में पैसा ज़रूर लगाएं। और आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, ओनली प्रॉफिट नो लॉस।